जी ये था सारा किस्सा कि ये भाई साहब सिर्फ बस की वीडियो बनाने पर ही ऑफेंड हो गए, एज इफ के बस इनकी थी। असल हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं कनेक्टिंग शॉट लेता हुआ जा रहा था, बस का मैंने शॉट लिया और फिर माय वाइफ वाज टेकिंग माय शॉट। तो जैसे ही बैठे हैं तो ये भाई साहब कहते हैं कि व्हाई आर यू मेकिंग माय वीडियो, एंड आई वाज लाइक कि यार मैं तुम्हारी तो वीडियो नहीं बना रहा, दिस इज़ अ पब्लिक प्लेस, तो मैं तो बस की वीडियो बना रहा था। फिर भाई साहब कहते हैं नहीं तू मेरी वीडियो क्यों बना रहा था। फिर मैंने कहा कि जी मैं तो बस की वीडियो बना रहा था और तुम्हारी नहीं बना रहा। तो जब इसने देखा कि यार ये इस तरह से तो काबू नहीं हो रहा, तो जिस तरह वो पाकिस्तान में नहीं होता कि जिन आंटियों ने, जिन फुप्पियों ने, जिन खालाओं ने, जिन्होंने भी फड्डा करना होता है, तो वो फड्डे का जब कोई उनको जवाब नहीं मिल रहा होता तो वो फड्डा क्या निकालते हैं कि जी इसने मुझे सलाम नहीं किया, या इसने मुझे सलाम सही से नहीं किया, या इसने मुझे सलाम मुँह बना के किया, या इसने सलाम करते ही उधर मुँह फेर लिया, या इसने सलाम का जवाब नहीं दिया, या सही से सलाम का जवाब नहीं दिया, या इसने मुझे इज्जत नहीं दी, मतलब ये ना कि ये मेरे पास से मुँह बना के गुजर गया या गुजर गई। तो उस तरह के ये भाई साहब कहते हैं कि टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट। जब इन्होंने देखा इस तरह काबू नहीं आ रहा है, ही नोज इज राइट कि भाई मैं तो पब्लिक में वीडियो बना रहा हूँ और मैं बस की वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो तेरी नहीं बना रहा है, आई एम अलाउड टू डू सो। तो ये भाई साहब कहते हैं कि टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट, एंड आई वॉज लाइक वट रिस्पेक्ट डू यू वॉन्ट, और वट रिस्पेक्ट डू यू नीड, और वट रिस्पेक्ट आर यू डिमांडिंग फ्रॉम मी। तो फिर कहते हैं नहीं टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट, टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट, और तीनों चारों दफ़ा आई वॉज लाइक कि बताओ मुझे तुझे रिस्पेक्ट क्या चाहिए, मैंने तेरी क्या डिसरिस्पेक्ट। फिर जब इन साहब ने देखा ये तो इस तरह भी काबू नहीं आ रहा, फिर ये भाई साहब कहते हैं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा और तैश में आके ना ये समझे कि शायद फिर यहाँ से काबू कर लूँगा। एंड आई वॉज लाइक क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और ये चल रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, आई वॉज लाइक कि मैं गलती पर नहीं हूँ, तो मैं और आगे से मैंने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, एंड आई वॉज लाइक मेट यू पिक द रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस, आई नो माई राइट्स, आई एम स्टिल मेकिंग द वीडियो, आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग दिस होल सिनेरियो, एंड देयर इज स्टॉप मी बिकॉज आई नो माई राइट, दिस इज अ पब्लिक प्लेस, आई कैन मेक अ वीडियो, आई कैन रिकॉर्ड अ वीडियो इन एनी वेयर इन अ पब्लिक प्लेस, दिस होल सिनेरियो इज बींग रिकॉर्डेड एंड विद इन लेस देन 24 आवर्स आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कंप्लेन विद दिस वीडियो एविडेंस। तब जाकर ये भाई साहब ज़रा ठंडे हुए और इन भाई साहब को पता चला कि नहीं यार सामने से बंदा मतलब हल्का नहीं है या हल्का नहीं आ रहा। तो खैर उसके बाद फिर आगे जर्नी हमने कंटिन्यू की। तो जी ये हम पहुंच गए ट्रेन स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन आनी है सिर्फ 5 से 7 मिनट में ट्रेन के आने में, और वो ट्रेन डायरेक्ट हमें पहुंचाएगी फिर उराफ वाटरफॉल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।